हाँ जी, राम राम सभी को। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज मैं चर्चा करने वाला हूँ नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती जो 2023 है राजस्थान सरकार की, उसके बारे में। इससे जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आई है, उसके बारे में मैं चर्चा करूँगा। तो बने रहे मेरे साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको नई भर्ती से संबंधित एक एक पल पल की सूचना मिलती रहेगी। और अगर आप राजस्थान सरकार की किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल से ज़रूर जुड़ सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस सूचना से आपको क्या फ़ायदा मिलने वाला है, और सिलेक्शन प्रोसेस जो नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इस बार भर्ती का पदों की बात करूँ तो ये भर्ती आई है 13,184 पदों पर, तो बहुत बड़ी भर्ती है वैसे तो। बढ़ते हैं वीडियो में आगे, और जो सूचना है वो आपको मैं डिटेल से बताता हूँ। ठीक है, बिल्कुल। बात करें नगर पालिका भर्ती की तो प्रदेश में 13,184 पदों पर होनी है भर्ती। ठीक है, और निकाय स्तर पर कमेटी लेगी इंटरव्यू। बात करें प्रोसेस की तो बिल्कुल इसमें क्या होगा, निकाय स्तर यानी कि आपकी नगर पालिका जो भी है वहाँ पर क्या होगी, एक कमेटी बनेगी जो आपका इंटरव्यू लेगी। और इसका विरोध भी शुरू हो गया है, तो बिल्कुल विरोध तो होना ही है क्योंकि इंटरव्यू बेस पर ले रहे हैं, तो बिल्कुल लोगों को थोड़ी शिकायत रहती है। फिर भी देखते हैं आगे और क्या खबर है इसके में। पहली बार सफाई कर्मचारी भर्ती में इंट्री होंगे, यानी ये प्रोसेस पहली बार हो रहा है कि इस भर्ती को इंटरव्यू बेस पर किया जा रहा है। ठीक है, और इसमें क्या है कि 1 साल का अनुभव जरूरी है। ठीक है, पढ़ाई का जिक्र कुछ नहीं किया है, केवल आपको क्या है कि 1 साल का अनुभव होना चाहिए और आप इंटरव्यू बेस पर ये मतलब भर्ती में प्रोसेस रहेगा। ठीक है, तो बात करूँ चयन से नियुक्ति के लिए निकाय स्तर पर समिति गठित होगी। बिल्कुल समिति गठित होगी, मतलब आपको बता दूं कि अगर चयन समिति ने आवश्यक समझा तो अभ्यर्थी को उपयुक्त का परीक्षण अभ्यर्थी से मौके पर सफाई कार्य या रोड स्वीपिंग नालों की सफाई आदि कार्य करवा कर किया जा सकता है। भर्ती प्रक्रिया में चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा। बिल्कुल इसमें क्या होगा, चयन समिति है उसका निर्णय अंतिम माना जाएगा। ठीक है, नगरीय निकाय केंद्र व राज्य के किसी भी विभाग केंद्र व राज्य सरकार के आदेश द्वारा संस्थापित स्वायत्त शासी संस्था अर्ध सरकारी संस्थान में संवेदकों प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से जारी न्यूनतम 1 वर्ष के अनुभव प्रमाण पत्र के साथ संवेदक प्लेसमेंट एजेंसियों को जारी किया गया कार्य आदेश 2 कॉपी लानी है। बिल्कुल आपको जो 1 साल का अनुभव है, जो एक स्वायत्त शासी संस्था हो या अर्ध सरकारी संस्थान हो, जो प्लेसमेंट एजेंसी है उनके माध्यम से आपको 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, उसकी 2 कॉपी आपको लेके जाना है। 176 निकायों में एक अभ्यर्थी एक ही निकाय में आवेदन कर सकता है। आप ये है कि भाई अलग अलग निकाय से आप आवेदन नहीं कर सकते, केवल आप एक निकाय से एक ही आवेदन कर सकते हैं, और 176 निकायों में बिल्कुल ये आवेदन होगा। ठीक है, अधिक में आवेदन किया तो सभी आवेदन भी निरस्त होंगे, अगर आप एक से ज़्यादा करते हैं तो बिल्कुल आपका आवेदन वह निरस्त हो जाएंगे। 250 नगर निकायों में से 11 निकायों में सफाई कर्मचारी के पद रिक्त नहीं है, और 63 निकायों में स्टाफिंग पैटर्न के अंतर्गत सफाई कर्मचारी के पद स्वीकृत नहीं है। ठीक है, तो केवल 176 निकायों पर ही ये भर्ती आई है। ठीक है, आगे और चर्चा करूँ मैं तो बिल्कुल प्रदेश में स्वायत्त शासन विभाग की ओर से 13,184 पदों पर सफाई कर्मचारियों की भर्ती के ऐलान के साथ ही विरोध के सवर भी तेज हो गए। इस बार लॉटरी की जगह सफाई कर्मचारियों की चयन प्रक्रिया इंटरव्यू से होगी, यानी पहले लॉटरी के माध्यम से हो रही थी, इस बार चयन प्रक्रिया इंटरव्यू से हो रही है। इसके लिए 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र होना जरूरी है। खास बात यह है कि सफाई कर्मचारी की भर्ती में योग्यता में किसी भी प्रकार की पढ़ाई का जिक्र नहीं हुआ है, सिर्फ 1 साल का सफाई का अनुभव माना गया है। हालांकि इस भर्ती प्रक्रिया में भी कोई कहीं डिग्रीधारी बेरोजगार आवेदन करने की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल बेरोजगारी बहुत ज़्यादा होने के कारण सभी आवेदन कर रहे हैं, ऐसे में रिकॉर्ड आवेदन आने की पूरी संभावना है। इसके साथ ही चयन करने के लिए इंटरव्यू की एक कमेटी का गठन होगा, बिल्कुल हम बात कर चुके हैं। और आगे बात करूँ तो इधर पूरे मामले को लेकर अब वाल्मीकि समाज विरोध में भी आ गया। बिल्कुल वाल्मीकि समाज भी इसके विरोध में आ गया और उन्होंने 21 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। आगे अगर मैं एक बहुत बड़ी बताऊं, हाँ तो ये है भाई राजस्थान के अभ्यर्थियों के लिए, अगर मैंने बात की है कि बहुत बड़े जो फ़ायदा मिलेगा वो क्या मिलने वाला है राजस्थान के अभ्यर्थियों को, तो भर्ती में क्या मांगा गया है, जनाधार। जनाधार की क्या है, अनिवार्यता कर दी। अब जनाधार की अनिवार्यता कर दी तो बिल्कुल जो राजस्थान का नागरिक है वही इस भर्ती का फ़ायदा उठा सकता है, इसलिए राजस्थान के अभ्यर्थियों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। और अगर मैं चर्चा करूँ तो बिल्कुल
ये अपने देख ही लिया तो चयन में अपनी प्रक्रिया रहने वाली है, क्या रहने वाली, एंट्री होंगे और एक साल का अनुभव और बिल्कुल पढ़ाई का कोई जिक्र नहीं है इस बार। तो ये थी इससे जुड़ी बहुत बड़ी खबर। तो अगर आप नगर पालिका भर्ती में मतलब फॉर्म लगा रहे हैं तो बिल्कुल ये आपसे आपको बहुत बड़ी खुशखबरी है कि इस बार जनाधार की क्या कर दिए, अनिवार्यता कर दी है, इसलिए राजस्थान के अभ्यर्थियों के लिए ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, तो ये थी आज की न्यूज़। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।